हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट ट्रिक्स। तो आज हम 5 मिनट ट्रिक्स में बात करने जा रहे हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग में भी क्या, तो रीजनिंग में वेन डायग्राम। ओके, इससे क्वेश्चन रीजनिंग में खूब पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको आज अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख लेना है, और इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप लोग खटाखट करो, इन्जॉय करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आएगा तो उसको लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग का पार्ट वन लेके आ रहा है वेन डायग्राम में। इसके बाद पार्ट टू में आपको बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं, वो काफ़ी इजी मेथड होता है, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसकी आज हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला आपको लिखा हुआ है, क्या ए का बना हुआ है और बी का बना हुआ है। तो ए और बी ऐसे कब रहेंगे जब ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी कि कोई संबंध नहीं होगा, तो ए और बी एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देंगे डायग्राम में। ओके, अभी हम आपको क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कब ऐसा रखना है और कब। सेकेंड वाला देखिए, कुछ ए अगर बी हैं, सम ए आर बी या फिर सम बी आर ए बोलेगा, तो आपको ये डायग्राम बना देना है। इसमें क्या है, देखिए कुछ ए जो है वो बी में है और कुछ बी जो है वो ए में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए तीसरा देखिए क्या ऐसा होता है। तीसरा है कि जो सम ए बना है और फिर इसके अंदर बी को रखा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल बी आर ए, यानी कि सारा का सारा जो बी है वो ए हो जाएगा, तो इस तरह का डायग्राम बनता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो तीनों डायग्राम आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से तीनों डायग्राम क्या है। आप देखिए, ए और बी में जब कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, तो इस तरह का हम लोग को बनाना है। जब दो चीज़ दी रहेंगी उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, तो आपको ऐसा बना देना है। जब कुछ ए बी हो या फिर कुछ भी ए हो, तो आपको इस तरह से बना देना है। और तीसरा क्या है, देखिए ऑल बी आर ए, ऑल बी कैसा है, ए है, तो हमें बी को ए के अंदर रख देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चंस पे, देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा अंग्रेजी तथा मेज का आरेख बनाइए। आपको भाषा अंग्रेजी तथा मेज का आरेख बनाना है, यानी कि लैंग्वेज इंग्लिश और टेबल। अब बताइए इसका आरेख कैसा होना चाहिए। तो इसके आरेख के लिए देखिए किस में रिलेशन है, लैंग्वेज और इंग्लिश में रिलेशन है, क्योंकि लैंग्वेज ही क्या है, इंग्लिश है। लैंग्वेज में तो सभी चीज़ आती हैं, तो पूरी की पूरी जो इंग्लिश है वो क्या है, एक लैंग्वेज है। तो हम लोग कैसे बना लेंगे, पहले हम लोग को लिख देना है ऊपर लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर क्या आ जाएगा, लैंग्वेज के अंदर आ जाएगी इंग्लिश। ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज के अंदर आ गई इंग्लिश, और ये टेबल क्या है, ये तो पूरी तरह से अलग है, तो इसको हमें क्या कर देना है, ऐसे बना देना है। क्लियर हुआ, टेबल को हमें क्या कर देना है, अलग से कर देना है। टेबल को हमने अलग से कर दिया, और लैंग्वेज के अंदर क्या आ गई, इंग्लिश आ गई, तो हमने इंग्लिश बना दिया, ठीक है। आइए दूसरा डायग्राम देखिए, यात्री बस एवं रेलगाड़ी। अब यात्री बस एवं रेलगाड़ी में कैसे बनाना है, इसको देखिए। तो यात्री जो होते हैं, ट्रैवलर्स, बस और ट्रेन, तो आपको ट्रैवलर्स को बीच में रखना है। क्या करना है, ट्रैवलर्स को बीच में रखना है, पूरा क्लियर है। ओके, आपको रख लेना है ट्रैवलर्स को बीच में। ट्रैवलर्स को बीच में रख लिया, अब ट्रैवलर्स तो किसी से भी यात्रा कर सकते हैं ना, बस से भी कर सकते हैं और ट्रेन से भी कर सकते हैं। तो कुछ जो ट्रैवलर्स हैं वो बस से यात्रा कर रहे हैं, कुछ ट्रैवलर्स जो हैं वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, इधर आपने ट्रेन बना लिया, इधर आपने क्या बना लिया, बस बना लिया। तो ये इसका क्या हो गया, डायग्राम करेक्ट हो गया। ओके, समझ में आया यहाँ तक, ट्रैवलर्स बस और ट्रेन, ये हमने बीच में रख दिया ट्रैवलर्स को, यात्री, और कुछ यात्री जो है वो बस से यात्रा कर रहे हैं, और कुछ यात्री जो है वो किससे कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं। तो आपका ये डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। आइए और देखते हैं डायग्राम। ओके, तो अब ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या लिखा है, क्रिकेट, फुटबॉल और खेल। क्या है, क्रिकेट है, फुटबॉल है और खेल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गेम सबसे ऊपर बना देना है, गेम हमने बना दिया। अब गेम के अंदर क्या आ जाएगा, तो गेम के अंदर क्रिकेट भी आ जाएगा और फुटबॉल भी आ जाएगा। तो गेम के अंदर क्रिकेट भी आ गया और फुटबॉल भी हो गया, तो इसका आरेख क्या करेक्ट हो गया, इसका आरेख इस तरह से बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, गेम है, गेम के अंदर तो भाई दोनों हो सकते हैं ना, फुटबॉल भी एक तरह का गेम है और क्रिकेट भी एक तरह का गेम है। फुटबॉल अगर क्रिकेट में कोई रिलेशन होता तो हम उसको ऐसे कर देते, बट फुटबॉल और क्रिकेट में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये दूर दूर रखे हुए हैं, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, तो ये दोनों गेम के अंदर आते हैं, तो इसको हमने रख दिया इस तरह से। आपका ये आरेख सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया गया है इसमें, देखिए ग्रह, पृथ्वी और तारा, यानी कि प्लैनेट, अर्थ और स्टार। प्लैनेट, अर्थ और स्टार की बात की जा रही है, तो इसमें बताइए क्या करेक्ट होना चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा, प्लैनेट के अंदर आ जाएगा क्या, अर्थ, प्लैनेट में तो सभी होते हैं, ठीक है ना। प्लैनेट के अंदर क्या आ जाएगा, प्लैनेट के अंदर आपका आ जाएगा अर्थ, हमने बना लिया प्लैनेट के अंदर अर्थ। और स्टार क्या है, स्टार तो अलग चीज़ है, तो स्टार क्या होगी, अलग से हमने रख दिया। और प्लैनेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, पूरा पूरा अर्थ एक प्लैनेट के अंदर ही तो आता है, तो प्लैनेट हो जाएगा वो। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, अब आइए इसका एक और देख लेते हैं, क्या है इसमें, देखिए वकील, डॉक्टर तथा महिला, यानी कि लॉयर, डॉक्टर और फीमेल दिया गया है। तो इसका डायग्राम कैसा होना चाहिए, इसका भी आपको क्या करना है, पहले फीमेल बना लेना है बीच में, तो ये हो गई फीमेल। और फीमेल क्या हो सकती है, फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, और फीमेल क्या हो सकती है, तो फीमेल लॉयर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपका ये डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फीमेल जो है वो तो लॉयर और डॉक्टर दोनों हो सकती है, तो कुछ फीमेल जो है वो डॉक्टर हैं
और कुछ जो फीमेल है वो क्या है, लॉयर है। क्लियर हुआ? आइए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, कल का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन सिक्स क्या है, ए की वैल्यू दी गई है 1, 2, 3, 4, बी की दी गई है 5, 6 और सी की दी गई है 2, 5, 6। इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको बना लेना है ए, क्या बना लिया हमने, ए बना लिया। ए में क्या क्या दिया है, 1, 2, 3, 4 ये दिया है ए में, ठीक है। और सी में क्या क्या दिया है, देखिए सी में दिया है 2, 5, 6, तो सी में क्या दिया है 2, 5, 6, 2 आ गया सी का, 2 हो गया और 5 हो गया और 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? 2, 5, 6 हो गया, और 5 और 6 ये क्या है, ये तो बी है, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर हुआ? अब आइए इसका डायग्राम देख लीजिए अच्छे से। तो ये था ए, ए के अंदर यहाँ से कट होकर के आया ये सी, और सी के अंदर हमने क्या बना दिया है, सी के अंदर बना दिया है बी। अब क्लियर हो गया इसका डायग्राम? ए जो नंबर था वो था 1, 2, 3, 4, सी में भी 2 था, तो सी में ये दोनों नंबर कॉमन हो गया 2 दोनों में, ए में और सी में। और सी के अंदर का जो नंबर, मतलब बी का जो नंबर है 5 और 6, वो सी के अंदर है, तो पूरा पूरा जो बी है वो सी है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।